हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग MSQ व्लॉग्स। तो गाइस, हम लोग अभी है किसी और जगह पर है, लेकिन हम लोग मुड़वाड़ के आसपास ही, लेकिन हम जिस जगह पे हैं, हम लोग शाहिद भाई से जानेंगे। हमारे साथ है शाहिद भाई, हम लोग आए हैं इनके सेटअप पर। ठीक है, इनके पास कुछ बकरे हैं जो इनको देने हैं, तो हम लोग ये पूरे लॉट का ही आपको एक लमसम आइडिया दे देंगे, कितने दांत से कितने दांत तक के बच्चे हैं और क्या वेट पर है और क्या प्राइस ये कोट कर रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। शाहिद भाई, एग्जैक्टली हम लोग किस लोकेशन में आई है? हम लोग मतलब मिला गांव है, तो मिला गांव। हाँ, अगर आप मुरबाड रोड से आ रहे हो मालसेज के लिए, ओके, तो वहाँ पे एक उमरोली करके स्टॉप आता है, उमरोली, ओके। हाँ, तो वहाँ से अगर आपको सिर्फ राइट टर्न मारना है और वहाँ से 8 किलोमीटर पे ये मिला गांव करके एक स्टॉप है, मालसेज घाट के रोड के ऊपर उमरोली स्टॉप है, वहाँ से राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेके अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो, हाँ, मुंबई से राइट टर्न लेके 8 किलोमीटर अंदर है ये, अंदर। ठीक है, और मिला गांव का नाम है, मिला गांव का है ना? तो यहाँ पे वैसे ट्रैवलिंग का कोई इशू नहीं है, जैसे आप भी आए रहोगे तो रोड्स वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह रोड तो अच्छे थे, कोई प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक है। ये लॉट में हम लोग कितने बकरे दिखाने वाले हैं भाई? ये लॉट में अभी 16 है टोटल, 16 बकरे है। ठीक है, तो अभी इसमें अदन से लेके 8 दांत तक है। ठीक है, और इसमें अदन और 2 दांत वाले बकरे। वेट क्या होगा बकरों का? इसमें है 45 kg से लेके 80 kg तक, 45 kg से 80 kg तक के बकरे हैं इसमें जी। ओके, अब जैसे मुझे जरा ना 2-4 बकरे ऐसे आप अपनी पसंद के जरा शॉर्ट लिस्ट करके दिखाइए ना। ये देख सकते हो, ये हैदराबादी सोजत क्रॉस में, ये अभी अदंत है, अभी ये अदंत में है ना, इसका वेट है। हाँ, कितना केजी है? 40 kg के आसपास इसका। दांत मत दिखाओ, दांत मत दिखाओ, अभी ये अदंत है, अभी अदंत है। ठीक है, और फिर ये दूसरा बकरा है, ये अपना 4 दांत है, ये सोजत में प्योर सोजत है, पिंक स्किन में, तो इनका क्वालिटी भी आप देख लो, खस्सी बकरा है। ये अपना अंडुल है, और इसमें खस्सी कितने और अंडुल कितने हैं? इसमें अंडुल लगभग 5-6 अंडुल बकरे और बाकी सब खस्सी, बाकी सब खस्सी है ना। ठीक है, आप ये एक दूसरा बकरा देखो, जुबेर भाई ने भी एक अच्छा बकरा पकड़ा। जुबेर भाई लेकर आओ ना, 2 दांत है, माशा एकदम सॉफ्ट है, माशा सोजत में, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप पूरा इसका ये देखिए, बहुत अच्छे। वो जो बकरा है वही सिर्फ 1-8 दांत पे, और ये व्हाइट आईज पे है ना, व्हाइट आईज में, कौन सा हैदराबादी क्रॉस है, सोजत क्रॉस है। ओके, 8 दांत पर है वो, और ये जो आप देखोगे ना, ये बकरा एक्सट्रीम क्वालिटी में, पूरा मार्बल सिंग है, अभी सिर्फ 2 दांत है, सिर्फ 2 दांत पर है वो, सिर्फ 2 दांत। क्या वेट पर होगा ये? 70 kg के आसपास इसका, 70 किलो उसका वेट है और ये 2 दांत पर है बकरा, माशाल्लाह क्या बात है। ये देखो समीर, ये अंडुल है, ये अंडुल है, बहुत बढ़िया, ये पतीरा सोजत में क्रॉस है, माशाल्लाह 38 की हाइट है इसकी, और ये भी 70 kg के आसपास है, और ब्रीडिंग के लिए एकदम अच्छा बकरा, परफेक्ट एकदम, माशाल्लाह। ठीक है, इसमें जो भी मेरे पास बकरे हैं अपन ने वो थोड़ा बहुत छोटे मोटे ऐसा मतलब दिखा दिए लोगों को, एक दिखा देना। हाँ, मैं बोलने वाला था आपको, ये बहुत ही गर्म है अभी, बहुत चिलम चिली कर रहा है। मालवा प्योर मालवा है कि क्रॉस में है? ये क्रॉस में ही बोल सकते हैं, लेकिन मालवा का इसमें ज्यादा परसेंटेज है। हाँ, एग्रेशन इसका मालवा का ज्यादा आ गया, एग्रेशन देखो इसको, और अभी 50 kg इसका वेट है। एक 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 ये ब्राउन वाला भी निकालो, ये कौन सा है? ये अपना शिरोही में, माशाल्लाह, ये 2 दांत पे बकरा, ये 55-60 kg के आसपास है, माशाल्लाह। ठीक है, तो इसमें लगभग ऐसे बकरे हैं, 16 बकरे, तो टोटल 16 बकरे है ये। ये पूरा लॉट अपने को देना है या एक सिंगल डबल में भी दे देंगे? दे सकते हैं और सिंगल डबल भी दे सकते हैं। तो अभी मेरे इधर फिलहाल कॉन्सेप्ट मैंने ये किया कि आप लेके भी जा सकते हो और मेरे पास पलाई में भी दे सकते हो। ओके, तो पलाई का इसमें ऐसा सीन है कि हालांकि ये मेरे बकरे, तो इसमें अभी जो भी मैं रेट लगाऊंगा, जैसे खस्सी बकरा है तो उनका छोटे हो या बड़े बकरे, मैक्सिमम पलाई जो है मेरे पास वो 1900 है, 1900 रूपए, 1900 रूपए खस्सी बकरों की, खस्सी। और जो अंडुल बकरे इसमें अभी टोटल मेरे पास तो 32 है, तो उसमें से 5 बकरे जो है मेरे कस्टमर के है, तो भी सेल करना है मेरे को, तो जो अंडुल बकरे उनकी सिर्फ 2200 है, और बाकी जितने भी खस्सी बकरे उनकी 1900 है। तो अगर कोई यहाँ पर बकरे खरीद के अपने पास रखना चाहे तो वो भी एक ऑप्शन है अपने पास? हाँ, खरीद के मेरे पास रखेंगे तो वो ज्यादा। अपने ये सेटअप का नाम क्या है? अपने इस जगह का जो सेटअप आपने रखा है, गोट फार्म जो है ये,
अभी इसका नाम क्या है? फिलहाल मैंने जायरा रखा था, जायरा गोट फार्म, लेकिन फिर अभी मेरे ख्याल से अभी मैं चेंज करूंगा कि अभी तक वैसा इतना फिक्स डिसाइडेड नहीं था। अभी पलाई मेरा ये फर्स्ट ईयर जो मैं दूसरों की पलाई रख रहा हूँ, नहीं तो अभी मेरे को 3 साल हो गए ऑलमोस्ट, मैं मेरे ही बकरे पालता था और सेल करता था। ये साल से हम लोग पलाई भी रखना चालू कर देंगे। सही है, तो ये फर्स्ट ईयर आप पलाई पे भी रखना चालू कर रहे हो जी। और सेटअप पूरा आपका यहाँ पे बाजू में भी मैं देख रहा हूँ, कुछ काम भी चालू है वहाँ पर। फिलहाल तो मेरा काम चालू है, तो ये मंथ में ऑलमोस्ट। अगर ये अभी वीडियो जाने के बाद अगर कोई रखना चाहे तो आप ले लोगे पलाई, या फिर उसके लिए कुछ टाइम रख रहा आपने? मतलब हम लोग खसी बकरे रख सकते हैं, अंडूरी के लिए अभी मेरे पास 8 केज अभी मैं बना रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, 2 वीक जाएगा, तो 2 वीक के बाद आप अंडूर भी दे सकते। ठीक है, अच्छा हम लोग अभी इनके प्राइस का डिस्कस करते हैं। क्या प्राइस इसके इनके कोट कर रहे हैं? मतलब पूरा एक एक बकरे का तो मत बताओ, एक स्टार्टिंग कितना होगा और एंड कितना होगा वो बताओ। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें स्टार्टिंग जो होगा वो 20,000 से लेके 45,000 के आसपास की। अभी फॉर एग्जांपल 20,000 का मुझे एक बकरा बताओ ना इसमें से। ये अपना अदंत में था, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था ये वाला 20,000 के आसपास है, ये 20,000 के आसपास है। और वो जो ये वाला जो बकरा है ये 2 दांत पे अभी फिलहाल, जैसा मैंने आपको बोला 70 केजी है, ये 2 दांत पर है माशाल्लाह। ये 45,000 है, इसका नेगोशिएबल हम लोग कर सकते। मतलब जो 45,000 बताया वो आपने इसका बताया, इसका, और जो लोवेस्ट है 20,000 रुपए वो आपने इसका बताया। ठीक है, ये जो फिलहाल ये अंडूल है अभी इनका प्रॉब्लम ये हो गया था कि इसमें से थोड़े थोड़े बकरे जो है अभी सेलिंग के लिए मैं लेके गया था ईद के टाइम पे, बट प्रॉब्लम ये हो गया था कि बारिश बहुत हो गई थी कल्याण के साइड में, तो वहाँ पे मेरे बकरे रुक गए थे, तो उस वजह से थोड़े बहुत सेल नहीं हो पाए। ये ईद के ही बचा हुआ लॉट है क्या? नहीं सब नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो है अदंत और 2 दांत मैंने रखा था, वो सेलिंग के लिए नहीं निकाला था क्योंकि उनको वापस मेरे को पालना था। बाकी इसमें से थोड़े बहुत है जो मैं सेलिंग के लिए लेके गया था, जैसे कि वो बड़ा बकरा मैंने आपको बताया 8 दांत वाला, हाँ, तो वो 85 केजी पे था, लेकिन अभी जब रिटर्न में लेके आया था तो उनको FMD और PPR हो गया था, बीमारी हो गई, हाँ बीमारी, तो उसकी वजह से थोड़ा उसने वेट लूज किया है, लेकिन वो फिर भी 1 मंथ या 2 मंथ में अपना रिकवर कर लेगा वो। ठीक है, तो 20,000 से 45,000 तक का आपका बकरों का प्राइस आपने ओपन किया है। अदंत से 8 दांत तक का बकरा है, 8 दांत वाला सिर्फ यही एक बकरा है, बाकी सारे अंदर 2 से 6, अदंत से 6 दांत तक, 6 दांत भी एक ही है, बाकी मैक्सिमम अदंत और 2 दांत, अदंत और 2 ही दांत है, ज्यादा 2 ही दांत, 4 दांत भी ज्यादा नहीं है इसमें, 4 दांत भी नहीं, 4 दांत भी 2-3 ही बकरे बस। ओके, प्राइस आपने बता दिया, जगह आपने बता दिया, अगर कोई नंबर मैं आपका स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, जो कोई भी आपको कॉल करेगा आप उसके लोकेशन, अपना करंट लोकेशन भेज दीजिएगा, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर आके लोग देख सकते हैं। बकरों की क्वालिटी हमने आपको दिखा दी, फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक बकरा ब्रीडर क्वालिटी का माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये बकरा, ये बकरा भी देखो गया ना आप, ये भी अदंत है अभी। वाह वाह वाह, क्या बात है। अभी इसको फिलहाल ये तो मिट्टी लगी है, अभी बारिश हो रही है, तो अभी बकरे कैसे नहाए नहीं है, अगर हम लोग पूरा मिला के रेडी करेंगे तो पिंक में ही है ऑलमोस्ट माशाल्लाह बकरे। माशाल्लाह, ये वाला अपन ने बताया ना पतीरा क्रॉस है ना, सोचा दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है। ठीक है, तो ये वीडियो क्लोज करते हैं हम लोग, है ना। और एक और बात, जैसे समीर भाई की अगर कोई बकरा सब अगर कोई ले रहा है पूरा लॉट, हाँ, तो उसमें और थोड़ा बहुत मैं नेगोशिएट कर दूंगा, नेगोशिएट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन पलाई जो है वो मेरा फिक्स ही रहेगी 1900, रेट में मैं नेगोशिएबल मतलब हो जाएगा अगर सब टोटल पूरा एक साथ कोई लॉट। ठीक, अच्छा, और पलाई का, हाँ बोलो, अभी जैसा जो भी डिस्क्रिप्शन है वो इसमें तो क्या एंड में एक और वीडियो हम लोग शूट करें ना उसमें दे देंगे, क्योंकि 8 मिनट का वीडियो ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये वीडियो क्लोज करते हैं हम लोग, तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।